So hello guys, now we are discussing another important problem, और इस problem में देखते हैं question number 15 of this series. ये क्या बोलता है example पे question. So यहाँ पे आपको easily दिख रहा है कि आपका AB एक chord है, ठीक है, और center of the circle is O is provided और AOC diameter. तो AOC अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये एंगल आपका 90 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर AOC डायमीटर है तो ये एंगल इना सेमी सर्कल है, क्योंकि एक सेमी सर्कल का जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है. तो जब मैं इस ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल बी हैज टू बी 180. अब अगर ये एंगल बी आपका 90 है और इसको मैं यहाँ स्विच करूँ और 180 में से अगर मैं 90 को ही माइनस करूँ तो डेफिनेटली ए प्लस सी हमारा 90 रह जाएगा. और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इस ए को भी मैं यहाँ स्विच कर दूँ तो जो मेरा एंगल सी है वो 90 माइनस ए. तो पहला चीज जो काम का है मैं वो यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारा 90 माइनस ए है उसकी वैल्यू आई है इस सी के इक्वल. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. भाई अब जैसे आपने देखा ये सी आपका 90 माइनस ए है, आपको ये भी पता है जो आपका ओ ए है वो डेफिनेटली रेडियस है और 80 नाम का यहाँ पे टेंजेंट है, ये आपस में 90 बनाते हैं. तो एंगल ए प्लस एंगल ए वन भी आपका 90 है. अब यहाँ से अगर आप एंगल ए वन का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस ए, है ना. अगर आप इस ए को यहाँ स्विच कर दोगे तो ये भी 90 माइनस ए मिलेगा वन का आंसर. अब यार सी का आंसर भी 90 माइनस ए है, आपके ए डैश का आंसर भी 90 माइनस ए है, तो डोंट यू थिंक आपका एंगल सी और आपका एंगल ए वन इक्वल है. और जैसे ही एंगल सी और एंगल ए वन इक्वल हो गया तो शायद हमें क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना था. ठीक है, और जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगा. Hopefully the question is clear to you. Thank you.